दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक ऐसा वीर योद्धा जिसने पांडव सेना में हाहाकार मचा दिया और कई महारथियों को आसानी से परास्त कर दिया और महारथी घटोत्कच को भी इस तरह हरा दिया मानो जैसे वो उसके सामने एक छोटा बच्चे के समान हो। और महाबली घटोत्कच उस वीर योद्धा के भय से रणभूमि छोड़कर भाग गया। और यहाँ तक भी कहते हैं कि वो वीर घटोत्कच कोई छोटा मोटा योद्धा नहीं था, जिसके सामने बड़े बड़े महारथी भी घुटने टेक देते थे। और ये सारा वर्णन किस प्रकार होता है और कौन था वो योद्धा, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमने महाभारत भीष्म पर्व में भीष्म वध पर्व के अंतर्गत 83वें अध्याय से ली गई है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना देर किए। संजय धृतराष्ट्र को अर्जुन पुत्र इरावन द्वारा विंद अनुविंद की पराजय का सारा वृतांत सुनाते हैं और पुनः घटोत्कच और भगदत्त के युद्ध के विषय में बताते हुए कहते हैं कि महाराज, राक्षस राज महाबली घटोत्कच ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं ध्वजयुक्त रथ के द्वारा भगदत्त पर आक्रमण किया। जैसे पूर्व काल में तारका में संग्राम के अवसर पर वज्रधारी इंद्र ऐरावत नामक हाथी पर आरूढ़ होकर युद्ध के लिए गए थे, उसी प्रकार इस महायुद्ध में प्रागज्योतिषपुर के स्वामी राजा भगदत्त एक गजराज पर चढ़कर आए थे। वहां युद्ध देखने के लिए आए हुए देवताओं, गंधर्वों तथा ऋषियों को भी समझ में नहीं आया कि घटोत्कच और भगदत्त में पराक्रम की दृष्टि से क्या अंतर है। जैसे देवराज इंद्र ने दानवों को भयभीत किया था, उसी प्रकार भगदत्त ने पांडव सैनिकों को भयभीत करके भगाना आरम्भ किया। भारत भगदत्त के द्वारा खदेड़े हुए पांडव सैनिक संपूर्ण दिशाओं में भागते हुए अपनी सेनाओं में से कहीं कोई रक्षक नहीं पाते थे। भरत नंदन, उस समय वहां हम लोगों ने केवल भीमपुत्र घटोत्कच को ही रथ पर स्थिर भाव से बैठा देखा। शेष महारथी खिन्न चित्त होकर वहीं से भाग रहे थे। भारत जब पांडवों की सेनाएं पुनः युद्धभूमि में लौट आई, तब उस रण क्षेत्र में आपकी सेना के भीतर घोर हाहाकार होने लगा। राजन, उस समय उस महायुद्ध में घटोत्कच ने अपने बाणों द्वारा भगदत्त को उसी प्रकार आच्छादित कर दिया जैसे बादल मेरु पर्वत को ढक लेते हैं। राक्षस घटोत्कच के धनुष से छूटे हुए उन सभी बाणों को नष्ट करके राजा भगदत्त ने रण क्षेत्र में तुरंत ही घटोत्कच के सभी मर्म स्थानों पर प्रहार किया। झुकी हुई गांठ वाले बहुत से बाणों द्वारा आहत होकर भी विदीर्ण किए जाने वाले पर्वत की भांति राक्षस राज घटोत्कच व्यथित एवं विचलित नहीं हुआ। प्रागज्योतिषपुर नरेश ने कुपित हो उस राक्षस पर 14 तोमर चलाए, परंतु उसने समर भूमि में उन सबको काट दिया। उन तोमरों को तीखे बाणों से काटकर महाबाहु घटोत्कच ने कंक पत्र युक्त 70 बाणों द्वारा भगदत्त को भी घायल कर दिया। तब राजा भगदत्त ने हंसते हुए से उस युद्ध में अपने सहायकों द्वारा घटोत्कच के चारों घोड़ों को मार गिराया। घोड़ों के मारे जाने पर भी उसी रथ पर खड़े हुए प्रतापी राक्षस राज घटोत्कच ने भगदत्त के हाथी पर बड़े वेग से शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति में सोने का डंडा लगा हुआ था, वह अत्यंत वेगशालिनी थी। उसे सहसा हाथी देख राजा भगदत्त ने उसके 3 टुकड़े कर डाले, फिर वह पृथ्वी पर बिखर गई। अपनी शक्ति को कटी हुई देखकर हिडिंबा कुमार घटोत्कच भगदत्त के भय से उसी प्रकार भाग गया जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र के साथ युद्ध करते समय दैत्यराज नमुची रणभूमि से भागा था। राजन, घटोत्कच अपने पौरुष के लिए विख्यात पराक्रमी शूरवीर था। वरुण और यमराज भी उस वीर को समर भूमि में परास्त नहीं कर सकते थे। उसी को वहां रण क्षेत्र में जीतकर भगदत्त का वह हाथी सम्रांगण में पांडव सेना का उसी प्रकार मर्दन करने लगा जैसे वनेला हाथी सरोवर में कमलिनी को रौंदता हुआ विचरता है।